मैंने सोचा ये मछलियाँ नहीं है, इनका आज मैं पानी चेंज करता हूँ। काफी दिन हो गए नहीं किया ना चेंज, हो गया। चलो कोई नहीं, खैर यार आज इसने मुझे बड़ा थ्रिल किया ना इसने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। यार इस तरह कुछ देर पहले ही मैं उठाऊँ और ना सहरी करके सो गया था ना, अच्छा तो अभी मैंने सोचा यार एक दो काम है वो कर लेता हूँ। और मुझे लगता है दोबारा इन्होंने चिड़ी उन्होंने यहाँ बचा दे दिया है। कभी दे देते, कभी चले जाते हैं ना, मौसम आती है तब आ जाते हैं, वरना मौसम जाती है तब ये चले जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाते हैं। अल्लाह खैर करे वो अब फिर आ रही है ना, मुझे मैं भी लोग बना रहा ना, मुझे देख के भाग लिया। पे बैठी हुई थी, अभी आएगी मुझे लगता है। एक दो आवाज़ आ रही है ना, कोई नहीं, खैर जब आएगी ना मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और ना आज पता नहीं मेरी इस बात मेरा दर्द हो रहा है, पता नहीं यार क्या मसला। अभी तो मैंने काम भी नहीं किया शुरू, और ये आज मैंने सोचा ये मछलियाँ नहीं है, इनका आज मैं पानी चेंज करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए नहीं किया ना चेंज। देखिए इनका पानी है आ भी नीचे गया, और काफ़ी अरसा हो गया मैंने चेंज नहीं किया। मेरे ख्याल में 3-4 मंथ तो हो गए होंगे, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे इनका पानी चेंज नहीं किया। तो मैंने सोचा आज करता हूँ इनका पानी चेंज ना। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आई है, वो देखें वो दोबारा चली गई उधर ना घर अपने। ये देखें कोई नहीं, खैर सुबह सुबह अपने बच्चों को नाश्ता दे रहे होंगे ना, तो इसी वजह से बाहर से नाश्ता लेके आते हैं और यहाँ ला के रखते थे। बल्कि मैं सोच रहा था यहाँ जो परिंदों वाला दाना पानी नहीं है वो यहाँ ला के रखते तो, और ये खुद यहाँ से मतलब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं नहीं इस तरह। One hour later. तो इस तरह कुछ देर पहले मैं फ्री हूँ, और ना इसे साफ़ करके ना यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपको ना मेरा क्यूरम देख के किसी को शौक हुआ ना तो वो यार मुझसे ले ले। नया ना लेके यार, बहुत ज़्यादा मतलब जलालत होती है इसकी। क्या नाम है, नीचे जो नीचे से जो स्टोन है, ये जो स्टोन है नीचे से, यहाँ से फिर इसे धोना पड़ता है, और इसे मतलब सफाई बहुत ज़्यादा होती है ना। तो लगता तो प्यारा है, लेकिन बहुत जब सफाई करने का मामला आता है ना फिर गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा ना। तो मैं भी भाई को कह रहा था, मैंने कहा मैं तू ला के रख देता सफाई, इसकी मुझे करनी पड़ती है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये धुंधला धुंधला क्यों हो गया ना, पहले तो नहीं हुआ था। तो जब मैंने साफ़ किया था ना तो उस वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन आज पता नहीं ये क्यों धुंधला धुंधला सा हो गया, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है ये क्यों ऐसे हो गया। पता नहीं, मुझे लगता है मैंने नमक किस पे ज़्यादा, नमक तो मैंने डाला ही नहीं। खैर कोई नहीं, चलो हो गया तो हो गया। हाँ और ना अभी मैं जा रहा हूँ यार, वो ना कल मैं होल्डर लाया था कुछ ना वो ख़राब थे ना, तो उसे चेंज करवा के लाने हैं। एक तो बाइट से बच्चे ना इधर आ जाओ ना, बच्चे बोलने लग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। यार ये बल्ब हैं जो मैं ले गया था ख़राब, और इधर चेंज करवा के दूसरे लाने हैं, तो वो भी लेने चलते हैं फिर। 6 hours later. दोस्तों इस तरह आज मैंने सोचा है अफ्तारी में ना चावल खाऊंगा, क्योंकि चावल बने हुए थे वो कल शायद मैंने बनाए थे। कुछ पूछा वो ओवन में डाल के ना फिर वो गर्म करके खाते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ है अफ्तारी में ना, रोटी खाने का मेरा बिल्कुल ही दिल कर रहा, और दो तीन खजूरें खा लूँगा और पानी का गिलास पी लूँगा। पानी के गिलास के बाद वैसे तो कुछ खाने का दिल नहीं करता ना, तो यही मेरी कुछ है। ये बने हुए इसमें थोड़े से निकाल लेता हूँ मैं, वो गिरते थे अभी नीचे गिरते थे तो सारे मेरी तबीयत बच जानी थी नीचे सारे। हाय हाय खुशबू तो यार बहुत आ रही है, लेकिन अभी रख लेता हूँ उसे थोड़ी देर ना, वो गर्म है गर्म है गर्म है। अभी ना थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ, मैं ये सोच रहा था अपनी तैयारी ना फुल रख लूँ, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। One hour later. ये ना अभी थोड़ा सा सेट हो रहा है, पता नहीं यार ये हुआ क्या है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, इतना समझ नहीं आ रही, पता नहीं इसके साथ हुआ क्या है। और पहले तो जैसे मैं साफ़ करता था पिछली मरतबा भी मैंने खुद ही साफ़ किया था और सही हो गया था ना, तो इस मरतबा पता नहीं क्या हुआ यार। चाय चेक करो, बिल्कुल चरसियों वाली कड़क। मैं आपको उधर चेक करके दिखाता हूँ कैसी बनी हुई है, तो मलाई आ गई सारी ऊपर, देखें गंदी। अच्छा वैसे ना मैं सोच रहा था आप लोगों को ना जो खाने पीने वाली चीज़ें ना वो मैं कम ही दिखाता हूँ, क्योंकि यार कल भी मैं बाहर गया था मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ना, तो इस तरह यार फिर ऐसा नहीं लगता रोज़े है ना, तो एहतराम होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, खैर यार आप लोगों का रोज़ा इसमें मेरे के कसूर होता है यार, मैं ब्लॉग ना बनाऊँ लेकिन मैंने ब्लॉग बनाना है। इस तरह यार मैं अभी तक हैरान हूँ, अभी तक इसका ना पानी सेट नहीं हुआ। मुझे लगता है जब मैंने पानी डाल रहा था ना इसके अंदर तो पानी ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ना मोटर चलाई दोबारा, मुझे लगता है वो पाइप में ना जो वो गंद नहीं होता वो इसके अंदर चला गया है, तो मुझे दोबारा फिर इसका पाइप पानी चेंज करना पड़ेगा कल। अब मुझे गुस्सा आ रहा है और कुछ नहीं है। चलो तो कोई नहीं, खैर है अभी चलता हूँ बाहर अदनान के साथ ना, उसने भी कहा था बाहर चलना है, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं आप भी ना। तो वैसे भी अफ्तारी के बाद थोड़ा सा चलना फिरना चाहिए ना। अच्छा
बस करते हैं, कितना बनाएगा यार। मजे किया, मजे किया। अच्छा दोस्तों, इस तरह अभी मैं ना बाइक से आ गया हूँ, तो मैंने सोचा यार इनका ना पानी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जो मछलियों का पानी है ना इसमें ज़्यादातर ना जंग है, जो पाइप के अंदर होता नहीं है वो है जंग ना। तो मैंने सोचा यार मछलियों के लिए भी नुकसानदेह होगा, तो ना क्यों ना मैं इसे चेंज कर देता हूँ ना। तो अभी मुझे लाना पड़ेगा पाइप और दूसरी बाल्टी वगैरह भी लानी है, जो जिसके अंदर ना मछलियाँ वगैरह रखनी है ना। तो निकाल के इस तरह पाइप, एक बार तो ऐसे हुआ मैंने ना मछली निकाले नहीं, वो पाइप चला दिया पीछे ना, पंप लगा दिया ना पाइप के जरिए बाहर निकल गई। उस दिन ना मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया था इन्हें, तो अब पता चल गया इन्हें पहले बाहर निकालना है फिर पाइप। अच्छा दोस्तों, इस तरह अभी देखना खुद का खुद पानी निकालेगा, और वहाँ से ना मैंने दूसरी तरफ लगा दी है पंप, और ये पानी खुद का खुद ना बाहर निकलता जाएगा, और ये खुद का खुद देखना खाली हो जाएगा। अभी ये देखिए इतना हो भी गया और थोड़ा सा रह गया, जो मछलियाँ वो मैंने इधर डाल दी है। और माशाल्लाह आप थोड़ा सा ना सेट है, देखिए ना सर, पहले तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैला था, लेकिन अब थोड़ा सा सेट हो गया। चलो कोई नहीं, खैर यार आज इसने मुझे बड़ा जलील किया ना इसने। व्लॉग बस मेरे इतने था, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।